नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू रियलमी बड्स क्यू के बारे में, जो कि रियलमी की तरफ से लॉन्च करे गए ब्रांड न्यू ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं, जिनकी प्राइसिंग 2000 रुपए के अंदर है। तो क्या ये ईयरफोन्स 2000 के प्राइस ब्रैकेट में सबसे अच्छे हैं और क्या ये बेटर हैं रेडमी ईयरबड्स एस से? इन सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, तो इसे एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। Realme Buds Q को डिजाइन किया है होजे लेवी ने, जो अर्मिस नाम के लग्जरी ब्रांड के डिजाइनर हैं। इस बार Realme ने एक नया ट्रेंडी डिजाइन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, इसलिए इन ईयरबड्स का डिजाइन कोबलस्टोन नाम के एक पत्थर से इंस्पायर्ड है। आपको यहाँ एक कर्व डिजाइन देखने को मिलता है एंड फॉर द प्राइस ये डिजाइन लैंग्वेज हमें काफी पसंद आई। इस चार्जिंग केस में एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, एक सिंगल एलईडी लाइट है आगे की तरफ जो बैटरी इंडिकेटर का काम करती है, रेड कलर फॉर लो बैटरी एंड ग्रीन कलर फॉर फुल बैटरी। लेकिन यहाँ पर इस चार्जिंग केस की लिड को एक हाथ से ओपन करना आसान नहीं है और इस केस के अंदर जो मैग्नेट्स हैं वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ हमें ये पॉड शेप डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। ये डिज़ाइन हमें रेडमी ईयरबड्स एस से बेटर लगा है। इन ईयरबड्स की सिलिकॉन टिप्स के अंदर आपको येलो कलर का डिज़ाइन मिलेगा और ईयरबड्स के आउटर शेल पर रियलमी का लोगो प्लेसमेंट भी हमें काफ़ी पसंद आया। लंबे समय तक म्यूजिक एंजॉय करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन ईयरबड्स का वेट सिर्फ 3.6 ग्राम्स है, इसलिए आपको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस ये ईयरबड्स रेडमी ईयरबड्स एस से भी हल्के हैं। रियलमी बड्स क्यू में आपको एक टच बेस्ड कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, विच इंक्लूड्स डबल टैप एंड ट्रिपल टैप फंक्शंस। लेकिन टच एरिया की सेंसिटिविटी कम होने के कारण कभी कभी डबल टैप्स और ट्रिपल टैप्स रजिस्टर नहीं होते। इस बात पर Realme का कहना है कि फाइनल रिटेल यूनिट्स में बेटर सेंसिटिविटी के साथ टच एरिया का साइज भी ज़्यादा होगा। कंट्रोल्स की बात करें तो आप इन ईयरबड्स को Realme लिंक ऐप की मदद से अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डबल टैप करके गूगल असिस्टेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके म्यूजिक प्लेबैक को पॉज करना चाहते हैं तो वो भी आप कन्फिगर कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के, लेकिन आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते। Realme Buds Air और Buds Air Neo की तरह Realme Buds Q में भी आपको गेमिंग मोड का फीचर मिलता है, जो लेटेंसी को 119 मिलीसेकंड तक रिड्यूस करता है, विच इज़ बेटर देन Redmi Earbuds S, जिसमें 122 मिलीसेकंड तक रिडक्शन होता है। वैसे तो हमें रियल लाइफ सिनेरियो में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला, बट वी अप्रिशिएट द फैक्ट कि इस प्राइस पर आपको गेमिंग मोड का फीचर मिल रहा है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो Realme Buds Q में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। टेस्टिंग पीरियड के दौरान हमने एक बार भी कनेक्शन ड्रॉप एक्सपीरियंस नहीं किया, विच इज़ ग्रेट। बैटरी की बात करें तो 100% वॉल्यूम पर हमें 4 घंटे 24 मिनट का प्लेबैक टाइम मिला, जबकि Redmi Earbuds S पर हमें 3 घंटे 45 मिनट का प्लेबैक टाइम मिला एट 100% वॉल्यूम। प्लस आपको टोटल 20 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा विद द चार्जिंग केस। ओवरऑल इस प्राइस रेंज के लिए Realme Buds Q की बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ Realme Buds Q बेसिक स्पेक्स के मामले में थोड़ा सा आगे हैं। Realme Buds Q में 10mm का ड्राइवर है, जबकि Redmi Earbuds S में 7.2mm का ड्राइवर है, और Realme Buds Q में आपको AAC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, जबकि Redmi Earbuds S में SBC कोडेक का सपोर्ट है। Realme Buds Q में U shaped साउंड सिग्नेचर है, जो आप इस फ्रीक्वेंसी कर्व पर देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन ईयरबड्स पर बेस थोड़ा सा बूमी है। हमारी टेस्टिंग के वक्त हमें इन ईयरबड्स की बेस परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसके बाद हमने वेवलेट नाम की ऐप को यूज़ किया इक्वलाइजर सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, जिसके बाद मिड्स और ट्रेबल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। हम सजेस्ट करेंगे कि आप वेवलेट ऐप में ब्राइट EQ को सिलेक्ट करें फॉर एन ऑप्टिमम लिसनिंग एक्सपीरियंस। Redmi Earbuds S के कंपैरिजन में Realme Buds Q पर आपको बेटर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, बेटर साउंड स्टेजिंग, बेटर टोनालिटी और ओवरऑल बेटर डायनामिक्स मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया गया है, तो आपको Redmi Earbuds S के कंपैरिजन में Realme Buds Q पर बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। हम यहाँ पर कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि फॉर द प्राइस Realme Buds Q पर आपको एक बढ़िया लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा इक्वलाइजर सेटिंग्स को चेंज करना है एंड यू आर गुड टू गो। और अगर आप इन दोनों ईयरबड्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आर्कटिक मंकीज का एक गाना है डू आई वॉन्ट नो, उसे सुनकर आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चलेगा बिटवीन दीज टू ईयरबड्स। एंड फाइनली Realme Buds Q पर कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इनका जो माइक्रोफोन है वो बहुत अच्छा है। तो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा रिव्यू Realme Buds Q ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स का। और इस प्राइस रेंज में हम यही कह सकते हैं कि इस वक्त अगर आपको ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स परचेस करने हैं तो
तो Realme Buds Q इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। इनमें आपको बहुत ही कमाल की साउंड क्वालिटी मिलेगी, बस आपको इक्वलाइजर सेटिंग्स में जाकर थोड़ा सा ट्वीक करना है। वेवलेट ऐप की मदद से आप ब्राइट EQ को सिलेक्ट करके इक्वलाइजर सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है इन ईयरबड्स की, चार्जिंग केस पर भी आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। चार्जिंग केस की बनावट, ईयरफोन्स की बनावट बहुत बढ़िया है, डिजाइन के मामले में हम बहुत खुश हैं। और यहाँ पर आपको एक रॉक सॉलिड कनेक्शन भी मिलेगा, एक बार भी हमने किसी भी तरह के ड्रॉप्स नोटिस नहीं किए व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी। तो ओवरऑल 2000 रुपए के प्राइस रेंज में जो ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का टैग है वो जाता है फिलहाल Realme Buds Q को। और कैसी लगी आपको ये वीडियो ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।